महादय, आप सभी को हमारी तरफ से प्रणाम। आज की वीडियो हमारी इसके ऊपर है कि वीडियो अपलोड किस तरह से करें। बहुत लोगों को वीडियो अपलोड करना सही से नहीं आता है। वीडियो सही से अपलोड ना करने की वजह से आपकी वीडियो पर व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं आते हैं। तो आज की हमारी वीडियो पर चर्चा इसी बात पर होगी कि वीडियो कैसे अपलोड करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। और अगर हमारी बात आपको समझ में आ जाए, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो चलो हम आपको दिखाते हैं कि वीडियो किस तरह से अपलोड करनी है। तो ये देखो दोस्तों, ये दूसरा मोबाइल है। ये दूसरे मोबाइल पर हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर हमारी आईडी नहीं बनी, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम इस पर आपको दिखाते हैं कि वीडियो अपलोड कैसे करते हैं। तो ये हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल हमने खोल लिया। अब आपको ब्लॉग बनाना है, वीडियो बनाना है कि शॉर्ट बनाना है। तो आज हम पहले आपको शॉर्ट अपलोड करना सिखाते हैं। जैसे शॉर्ट अपलोड करते हैं उसी तरह से वीडियो अपलोड करते हैं। वीडियो कैसे बनाना वो तो आप हम जैसे हमें बोल रहे हैं उसी तरह से आपको बोलना है। थोड़ा जल्दी जल्दी हिचक हिचक के नहीं बोलना। अगर आपको शॉर्ट बनाना है तो ये देखो, हमने यूट्यूब चैनल हमारा खुल गया। यूट्यूब चैनल खोलने के बाद ये नीचे प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान दिख रहा है, इसको हम करेंगे टच। तो ये देखो लिख के आ गया क्रिएटर शॉर्ट अपलोड अ वीडियो। तो हमको वीडियो अपलोड करना है कि शॉर्ट अपलोड करना है। अगर आप जैसे कि वीडियो बनाकर रख चुके हो, वीडियो ये बोलकर बनाया है या कैसे भी बनाया है, वीडियो एक मिनट से जो ज़्यादा होती है वो वीडियो होती है। वीडियो इस तरह से मोबाइल पकड़ के बनाते हैं, वीडियो को ऐसे मोबाइल पकड़ के बनाएंगे और शॉर्ट को ऐसे करके बनाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की व्यूज और सब्सक्राइबर में यही आती है कि आप लोग क्या करते हो, इस तरह से वीडियो बना लेते हो और अपलोड कर देते हो, तो वो वीडियो बेकार हो जाती है, उस पर कॉपीराइट या स्ट्राइक आ जाएगा। तो आपको वीडियो ऐसे करके बनाना है और शॉर्ट ऐसे करके मोबाइल बनाना है, ठीक है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम शॉर्ट पे आती है क्योंकि ज़्यादातर लोग शॉर्ट ही बनाते हैं। तो शॉर्ट हमको किस तरह से अपलोड करना है, तो ये देखो नीचे प्लस का निशान है, हम इस पर प्लस निशान पर टिप करेंगे और ये लिखा है क्रिएट अ शॉर्ट, तो इसको हम करेंगे, खोलेंगे। तो ये इस तरह का पेज खुल करके आएगा। इस तरह पेज खुलने के बाद अगर आपने वीडियो पहले से बना रखी, कोई कोई क्या करता है, कहीं घूमने गए तो उसको बना ली, फिर उसकी एडिटिंग कर ली, जूम कर लिया, जूम करने के बाद उसको साउंड लगा के, जो इसे वीडियो आपकी गैलरी में है, एल्बम में है, तो उसको इसमें कैसे लाना है, तो ये देखो ये नीचे बना है, इसको आप टैग करोगे तो जो आपकी गैलरी में फ़ोटो हैं इसको अगर आपको डालना है तो यहाँ से, जैसे कि मान लो एक हमने यही ले लिया, ठीक है, वहाँ से एक हमने ये ले ली, तो इस तरह का पेज खुल के आएगा। इस तरह का पेज खुलने के बाद नीचे लिखा है डन, तो हमने डन कर दिया। डन होने के बाद ये प्रोसेस आएगा पूरा क्लियर होने के लिए, इस तरह से ये पूरा एक बार हो जाएगा, तो ये वीडियो पूरी हमारी क्लियर हो जाएगी। अब इसमें गाना कैसे लगाना, बगैर गाना लगाए डाल दोगे तो अच्छी नहीं लगेगी। तो हमने एल्बम से उठाई थी पिक्चर, ये हमारी आ गई, देखो इस पर जो हमने वीडियो वहाँ से उठाई वो यहाँ पर आ चुकी है लेकिन दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे हम ऐड साउंड करते हैं, ऐड साउंड पे हमको गाना लगाना। ये देखो इतने सारे गाने निकल आए। अगर इनमें से हमें कोई गाना पसंद नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे ये लिखा सर्च कर लेते हैं कि हमको कौन सा गाना लगाना है। जैसे कि दिमाग में होता है कि हमको ये वाले गाने पे वीडियो शॉर्ट बनाना है, लेकिन वो जो हमने गाने निकाले थे उस पर नहीं था, तो सर्च का ऑप्शन रहता है ऊपर, आप सर्च कर सकते हो, ऊपर सर्च करके अपना गाना निकाल सकते हो। अब अगर इन्हीं में से किसी ने बनाना है तो आप इन्हीं में से किसी को एक को निकाल के आप अपने गाने शॉर्ट पर लगा सकते हो, ठीक है। और लगाने के बाद जब आपकी यहाँ पे लग जाएगी तो इसको आपको ये टिक का निशान था वो टिक कर देंगे, तो हमारी वीडियो ये बन गई, ठीक है। ये वीडियो हमारी देखो दिखने लगी, जो हमने गैलरी से वीडियो उठाई थी वो हमारी यहाँ पर दिखने लगी। साउंड भी लग गया, लेकिन हम इसकी आवाज़ बंद करें, प्ले नहीं कर सकते हैं, प्ले करने से हमारी वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा। और जैसे कि आपको सीधे सर्च करके ही बनाना, जैसे कि ट्रेंडिंग सॉन्ग होते हैं, कभी कभी यूट्यूब पर ढूंढते हो आपको मिलती नहीं है ट्रेंडिंग सॉन्ग, हमको पता है कि ये वाला है, तो आप यूट्यूब पर है उस पर यूट्यूब पर मतलब इसी पे जा करके आप सर्च कर सकते हो। जैसे इस तरह का पेज खोला, फिर ऐड साउंड पर गए और आपको जो गाने पर बनाना है आपने यहाँ पर सर्च करा, सर्च करने के बाद आपने गाना लगा लिया, गाना लगा लिया, यहाँ पे गाना लग जाएगा आपका, यहाँ पे जो आपने गाना सेट करा है वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। फिर आपको ये दबाओगे तो यहाँ पे आपकी वीडियो बन जाएगी। वीडियो बन जाने के बाद आपको
डन कर देना। डन करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन ऊपर आएगा, नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद नीचे आएगा अपलोड, अपलोड कर देना। देखो हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। जैसे कि हमने कर दिया, अब इससे हम जो बोल रहे हैं वही आ रहा है इस पर। अब हमको केवल इतनी सी थोड़ी सी बनाना था, तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। स्टॉप कर दिया, इसको हमने टिक कर दिया। टिक करने के बाद देखो इस तरह से आ गई। अभी हम जो बोल रहे हैं वही हमारा इस पर आ गया। इसकी हम आवाज़ बंद कर देते हैं, नहीं तो डबल आवाज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट का ऑप्शन किसी के मोबाइल में नीचे होता है, किसी के मोबाइल में ऊपर होता है। हमारे मोबाइल में ऊपर है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल ख़राब हो गया इसलिए पूरा दिख नहीं रहा, तो हम ऊपर करते हैं। ये देखो नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट करने के बाद आपका इस तरह का पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद जो हमने वीडियो बनाई वो ये है। यहाँ पे किसी के मोबाइल, देखो टाइटल लिखा है, यहाँ पे आपको टाइटल लगाना है। आपने जो गाना सेट करा है वो गाना यहाँ पे लिखना है। हैशटैग लगाना है। हैशटैग लगाने के बाद सेलेक्ट ऑडियंस पे आपको नो करना है। नो करने के बाद आपको यहाँ से अपलोड कर देनी है, ठीक है। वीडियो अपलोड कर देने के बाद ये देखो यहाँ पे ऐसे साइन आपको दिखने लगेगा, वीडियो हमारी अपलोड हो रही है। चलो वीडियो अपलोड हो जाने के बाद, जब तक यहाँ से वीडियो, और YouTube से वीडियो अपलोड करने के बाद YT स्टूडियो अगर आपने डाउनलोड नहीं करा है तो आप YT स्टूडियो डाउनलोड कर लीजिए। और आपकी YT स्टूडियो में डिस्क्रिप्शन पे आपको क्या लिखना है, टाइटल पे क्या लगाना है, और क्या आपको कमेंट ऑफ या ऑन करना है, वो आपको YT स्टूडियो से करना है। YT स्टूडियो डाउनलोड जब तक नहीं करोगे, YT स्टूडियो से जब तक वीडियो पब्लिक नहीं करोगे, तब तक आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आएगा और आपकी वीडियो सही से अपलोड नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर टिक का निशान आ गया, हमारी वीडियो अपलोड हो गई, ठीक है। अब हम इसको काट देते हैं। ये है YT स्टूडियो, ये क्या है YT स्टूडियो। तो हम YT स्टूडियो खोलते हैं और इस पर हमारी वीडियो आ गई होगी। ये देखिए अभी जो हमने वीडियो डाली है वो वीडियो देखो ये हमारी यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे आने के बाद हम इसको फिर से खोलेंगे। खोलने के बाद ये इस तरह का पेज खुल के आएगा। इस तरह का पेज खुलने के बाद ये पेंसिल का बना है, ये पेंसिल का निशान बना है, इसको हम टच करेंगे। पेंसिल का निशान टच करने के बाद यहाँ पे पेज अभी चेंज हो जाएगा। ये देखो इस तरह से आ गया। और वहाँ पे जो आपने टाइटल लगाया होगा वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा होगा, अगर आपने नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिख सकते हो। ऐड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिख देना। सेलेक्ट ऑडियंस सही कर देना। और टैग, टैग लगाना बहुत ज़रूरी है। ये नीचे लिखा है टैग, अब टैग में क्या लिखना है, आपने जो ऊपर टाइटल पे लिखा है वही चीज़ आपको टैग पर लिखना है। सेम चीज़ लिखना है, अलग नहीं लिखना कि यहाँ पे कुछ और लिखा और यहाँ पे कुछ और लिख दिया। तो जो आपने टाइटल पे लिखा है वही चीज़ हम टैग पर लिखेंगे। टैग खोलेंगे तो इस तरह का खुल के आ जाएगा। ये है टैग का ऑप्शन, यहाँ पे आपको लिखना है टैग, लिखा है ऐड टैग, तो वही चीज़ लिखना है जो आपने टाइटल पे लगाया है वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, आप सेव कर दोगे तो वीडियो आपकी सेव हो जाएगी। सेव करने के बाद आपको पीछे आ जाना है, ठीक है, और आपकी वीडियो हो गई अपलोड। अब आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, आपने वीडियो सही से डाली, YT स्टूडियो से भी सेटिंग सही करी, फिर भी आपकी वीडियो पब्लिक पर शो नहीं कर रही है, तो आपको चेक करना होगा कि क्रोम ब्राउज़र पर आपका चैनल शो कर रहा है या नहीं। तब क्रोम ब्राउज़र क्या है, तो चलो हम आपको क्रोम ब्राउज़र दिखा देते हैं। क्रोम ब्राउज़र का ऐप इस तरह का होता है ऐसा। तो आपको क्रोम ब्राउज़र खोलना है। क्रोम ब्राउज़र खोल करके आपको देखना है कि आपका चैनल क्रोम ब्राउज़र पर शो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आप लोग देखते हो कि हम किसी की आईडी यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो तुरंत उसकी आईडी निकल आती है, लेकिन मेरी आईडी कोई सर्च करता है तो यूट्यूब पर हमारी आईडी नहीं दिखती है। एक नाम के बहुत से लोग निकल आते हैं लेकिन हमारी आईडी उस पर नहीं दिखती। तो जब तक आपकी आईडी क्रोम ब्राउज़र पर नहीं सेटिंग होगी तब तक आपकी आईडी यूट्यूब चैनल पर सर्च करने पर भी नहीं दिखेगी। तो ठीक है, क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद इस तरह का चैनल निकल के आएगा। देखो हमारी सेटिंग क्रोम ब्राउज़र पर है, तो ये देखो यूट्यूब चैनल हमारा दिख रहा है। और अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं दिख रहा है, ऐसे गूगल जैसा पेज निकलेगा क्रोम ब्राउज़र ऑन करने से, तो यूट्यूब चैनल अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ऊपर ये सर्च का ऑप्शन दिए हैं, सर्च करके आप अपना यूट्यूब चैनल उस पर डाउन करिए तो यूट्यूब चैनल आ जाएगा। फिर यूट्यूब चैनल को आपको खोल के वहाँ पे अपनी आईडी मेंशन करना है और उसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग कर दोगे, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपकी वीडियो में यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी वीडियो पर 100% व्यूज बढ़िया आएगा, सब्सक्राइबर भी बढ़िया आएंगे।
जैसे हमने बताया उसी प्रोसेस से आप वीडियो अपलोड करोगे, एक नंबर जाएगी। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।